राकेश पाल जी से पहले जानना चाहता हूं कि वो एसोसिएशन को अपना टाइम दे पाएंगे या नहीं। अगर कोई अगर मेजोरिटी अगर मिल भी करता है तो राकेश पाल जी से मैं एक बार बात जानना चाहता हूं कि वो एसोसिएशन को टाइम दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि सारा हमारा जो 29 मेंबर से जानना चाहता है। तो प्लीज आगे अपना सजेशन दीजिए। सबसे पहला बात तो ये है कि हमको ये बताइए एसोसिएशन का टाइमिंग का मतलब क्या है। सुबह से शाम 29 यहाँ बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, मेरा जूनियर से चला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो होगा नहीं। आपको चाहिए क्या कि कुछ प्रॉब्लम हुआ वहाँ खड़ा होकर बात करना है, मीटिंग हुआ हमको आना है, अगर आप लोग साथ देंगे हम करेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 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 मेरा टीम 29 का साथ देता है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम किसके खिलाफ नहीं बोलना चाहता, आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमारे प्रेसिडेंट से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो स्टेज में आके दो शब्द कहे। सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड हो गई है, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा प्लीज तय दिल से सॉरी, प्लीज पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे पसंद नहीं, ऑनेस्टली अच्छा नहीं लगा, सभी से माफी मांगता हूँ, कुलदीप भाई प्लीज सॉरी, मेरे को इसका आइडिया नहीं था वरना मैं आज नहीं आता था, सही बोल रहा हूँ। जिस दिन हम लोग निकले थे एक साथ, फ्राइडे था, जुम्मा का दिन था, सबे बारात था शायद उस दिन, ऊपर वाले से एक ही दुआ करके निकला था कि भगवान हम लोग सब जीत के आना, जो मुहिम हम लोग छेड़े हैं कि एक चेंज और बदलाव लाना उसमें हम लोग आगे रहे और सब मिल के चले। मेरे से छोटे होंगे ग्रुप में मगर मेरा घर में हम छोटा है, बीच वाला है, तो हमको तकलीफ पता चलता है। मेरे को ना लोकल का बहुत तान है, वो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना साला कुछ भी करेगा तो लोकल है, टेट लोकल है, वो वाला मेरे दिल में। मेरे पास कोई क्लाइंट भी आएगा लोकल है ना तो हम पहले बोले लोकल है ना फीस का बात मत करना, जो नॉन लोकल है उसको कैसा रेती चलाना हमको मालूम है, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, मगर कोई लोकल है तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करता है। आज मैं थोड़ा से घोंटा खड़ा हो गया, अच्छा नहीं लगा, इतना प्यार और हम लोग का इतना जज्बा था ना, कहीं कुछ थोड़ा सा खाली खालीपन लगता है। प्लीज़ हम सबसे माफ़ी मांगता, कोई बुरा नहीं मानना, प्लीज़ एक जिम्मेदारी दिए है, हम डेली 5 से 6 यहाँ शाम में रहेंगे, ये कोई लिखने मनता लिख लो, 5 से 6 हम यहाँ रहेंगे, ये मन से बहुत बड़ा बात बोलता कोई वकील नहीं बोलेगा, रोहित मोहन लाल हो या कोई हो। आज के बाद अगर कोई लोकल मेरा ऑफिस आया तो उसको कैसे डील करना हो मेरा काम रहेगा, और ये एसोसिएशन को आज के बाद लोकल का ताकत हम अपना कोर्ट से देंगे, कोई नहीं बोलेगा मेरा रोजी रोटी है, मगर मेरे को मालूम है टिकली ऐसी नहीं लगाता, वो पराला बहुत ज़बरदस्त आशीर्वाद रखा है, माँ बाप पैदा करे आशीर्वाद दिए मट्टी चूने से सोना करने का ताकत रखता हूँ, तो हमको मालूम है कि संजय भाई बैठा, हमको मालूम है मेरा टेम्परामेंट है कहीं थोड़ा मेरा, वो खानदानी है कुछ नहीं कर सकता, मगर कोई आदमी ये नहीं बोल सकते कि मेरा दरवाजे से कभी रोक ही गया हो। माँ सरस्वती का आशीर्वाद भरपूर है, अब आप लोग आशीर्वाद चाहिए, बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी आप लोगों ने, तहे दिल से शुक्रिया और निभाऊंगा उसको, ये प्रॉमिस करके जा रहा हूँ जिस मन से उसको निभाऊंगा। सबसे पहला बात, क्योंकि ऑफिशियली मेरे को प्रेसिडेंट बनाया गया है, 2 मेंबर उनका जीत के आए, हम कहीं पर महेंद्र भैया को मना कर रहा था उस चीज़ को ये मत करो, अब मैं बोलता हूँ उनका दोनों मेंबर नहीं बैठेंगे, बायलॉज के हिसाब से 2 टर्म के बाद 3rd टर्म इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जो ओम प्रकाश भैया किया है वो नहीं कर सकता। इलेक्शन का क्लॉज में है कि जिसके ऊपर में क्रिमिनल केस है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगा, रोहित मोहनलाल के ऊपर क्रिमिनल केस है, मेरे जेब में पेपर है कोर्ट का, वो कंटेस्ट किया है। अब अगर बाहर अब लोकल एसोसिएशन को चलाना है तो साला हिम्मत से छाती खोल के चलाएंगे, डरने का नहीं, डरने का नहीं, कोई भी मुद्दा हो CSO LGO MPO मिलेंगे, बात करेंगे, देखते ना कौन कहाँ प्रातरपुर से आके डाल सकते क्या, नहीं कर सकते, उसके बाद लाएंगे कहा कोर्ट, अपना गढ़ है खुदाएंगे ना वहाँ रख के, लाने दो देखते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग बताना, आप लोग ओपिनियन देना, क्योंकि MP अपना लोकल है आप सब जानते हो, क्यों ना हम उनसे मिलने के डेलीगेट्स लेके जाए, इट्स नॉट पॉलिटिकल, हम लोग अपना मुद्दा लेके उनसे मिलेंगे, सेम टाइम में हम लोग BJP में ही मिलेंगे, क्योंकि वहाँ भी अपना लोकल बच्चा बैठा है,
हम लोग पॉलिटिकल अलायंस किसी से नहीं करेंगे, ये आज क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, पॉलिटिकल अलायंस नहीं करेंगे। मगर क्योंकि हम लोगों को मुद्दा बात करने के लिए अपना एक आदमी भी सामने चाहिए जो डायरेक्ट या तो मिनिस्ट्री से टच में हो या LGCS से हो, तो हम लोग कहीं उनसे मिलके उनको अपना डेलीगेशन लेके आके बोलेंगे कि भाई ये अभी का फिलहाल का प्रॉब्लम है जो आउटराइट आप इसको ठीक कर सकते हो, मौका दोनों पार्टी को देंगे, वरना 2024 उनको भी दिखाएंगे कि क्या होता है इलेक्शन के, उनको भी बताएंगे कि क्या होता है इलेक्शन, सब लोकल का घर जाके रिक्वेस्ट करेंगे इलेक्शन बाइकआउट कर दो अगर हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिला तो, क्योंकि अगर लोकल है तो उन लोग भी है। पहले हुआ करता था तमिलियंस पहले वोटर थे फिर बंगाली थे फिर लोकल थे, आज माहौल चेंज है, बंगाली पहले लोकल बाद में फिर तमिलियंस, तो कहीं हम लोग आज भी दूसरा नंबर रिटेन करते हैं, अब इसको पहला नंबर में करना है, इंपॉर्टेंस दिखाना है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको बताइए आप लोग सोच के क्या कैसे करना है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि कुलदीप भाई मेरे बड़े भाई हैं, मॉडल में मेरे सीनियर रहे हैं, कुलदीप भाई मेरे तरफ से आप ही प्रेसिडेंट हो, हम मिलके साथ काम करेंगे, कोई नहीं हम मिलके काम करेंगे यार, हम मिलके काम करेंगे, छोटे भाई बड़े भाई है कोई पोस्ट नहीं, पोस्ट आज डिक्लेयर हुआ है, काम तो हमेशा करना है साथ में मिलके, कौन पोस्ट लेके जाएगा, डेलीगेट लेके जाएंगे भाई, जितने भी डेलीगेट्स हैं चाहे एग्जीक्यूटिव बॉडी हो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि कहीं भी अगर हम मिलने जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है ना, एसोसिएशन से 5 जन जाते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी तीसरा, इस बार थोड़ा सा हम लोग अपना ट्रेंड चेंज करते हैं, जितने डेलीगेट्स हैं 29 हम लोग साथ मिलकर जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट की डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन ऑफिसर को बताना है, ताकत दिखाना है, तो साथ में मिलके जाएंगे। और हमारे जितने भी अभी देखिए बायलॉज मैंने पढ़ा है, आज ही पढ़ा, यहाँ पर ही बैठ के पढ़ा, बायलॉज जैसा बोल रहे हैं रजिस्टर्ड नहीं है तो अमेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा 29 मेंबर्स एज वेल एज जितने आज लोग बैठे हैं हम जरूर व्हाट्सएप पे डालेंगे, प्लीज़ सब आइए, क्योंकि ओपिनियन आप लोगों का चाहिए, हम लोगों को ये कमिटी के लिए नहीं बन रहा, ये कम्युनिटी के लिए बन रहा है, तो सबका ओपिनियन चाहिए। उसको चेंज करके मेरे दिमाग में 2 क्लॉज है, एक तो ये कि क्रिमिनल केस होने से नहीं लड़ सकता भाई, MP इलेक्शन MLA इलेक्शन लड़ सकता तो एसोसिएशन का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकता भाई, ये बताओ डर किस बात का है, कि वो यहाँ छुरी चलाएगा तो रोड में भी चला सकता भाई, आप किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैसे काट सकते हो, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन नहीं होगा, ये एक क्लॉज मेरे दिमाग में है, आप लोग प्लीज इसको सोच के समझ के आइएगा। दूसरा ये कि 2 टेन्योर के बाद तीसरा नहीं लड़ सकता भाई, ये पब्लिक और मेंबर्स का पसंद है, आप क्यों कट डाउन करेंगे उसको बताओ ना, मोदी जी चला आ रहा है, इंदिरा गांधी जी चली आ रही थी, राजीव गांधी जी चले आ रहे थे, कौन कॉन्स्टिट्यूशन रोका उनको, क्यों रोकेंगे आप 2 के बाद तीसरा नहीं करना करके, ये 2 क्लॉज मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगा। हाँ, और वोटिंग का जो राइट होगा हर एक प्रत्येक मेंबर को होगा, चाहे वो ऑर्डिनरी मेंबर हो, चाहे वो भाई लाइफ मेंबर हो, चाहे वो टर्म मेंबर हो, देखिएगा सिंपल सा बात है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और ये जो विलेज कमेटी है ना, 80 आदमी वहाँ में मेंबर है, 20 आदमी वोट डाल के 80 आदमी का फेट डिसाइड कर रहा है, ये गलत है। तो इसीलिए आज के बाद जो भी होगा ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, मीटिंग में सबको आना होगा, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, एक आधा घंटा अपना कम्युनिटी के लिए थोड़ा सा निकालिए, साल में आप देखेंगे साल भर बाद बैठने का जगह नहीं होगा, हम लोग खड़ा होकर मीटिंग करेंगे, हम लोग भी खड़ा होंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग वोट दिए तो हम लोग बैठ के मीटिंग करेंगे, भीड़ हुआ तो टेबल हटाएंगे चेयर हटाएंगे खड़ा होकर करेंगे, कितना देरी चलेगा, 1 घंटा आधा घंटा, इलेक्शन में 9 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक खड़े रहें, तो ये सब चेंजेस लाना है। जो पोस्ट में कभी ये मत समझना भाई कि पोस्ट बहुत बड़ा है, भगवान कुबेर का खजाना भी खाली कर देता पोस्ट तो 2 साल बाद 3 साल बाद निकल जाएगा, तो हम लोगों को काम करना है और काम करके सबको लेके चलना है। आखिरी में फिर एक बार कुलदीप भाई एक्सट्रीमली सॉरी हमको नहीं पता था वरना नहीं आता था मेरा भाई, प्लीज थैंक यू सो मच। दो शब्द मैं कुलदीप भाई से कहूँगा कि वो आके बोले मैं, थैंक यू।
ये मेरे तरफ साफ नहीं, अरे नहीं नहीं, ये पूरे एसोसिएशन के लिए। हेलो, मैं सभी भाई, मैं सभी लोकल पॉइंट एसोसिएशन के उपस्थित जनों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसे आप पर्सनली मत लीजिए, कोई ऐसा कुछ मतभेद हम में नहीं है। राकेश भाई हमारे प्रेसिडेंट हैं, काबिल है, अब वो टाइम लेंगे, हमें उनका वक्त चाहिए, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई मुझे कोई भी ऐसा, मेरी कोई भी ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं एक प्रेसिडेंट बनूँ। मेरी एक ही मंशा थी कि मेरे जितने भी लोकल भाई सारे अंडमान आइलैंड्स में कोनों कोनों में हैं, उनके परिवार और उनके सभी भाई बंधु जितने भी लोकल्स हैं वो एकजुट होकर एक छत के नीचे आए। हमारा मोटिव यही है। उसके बाद हम कैसे हम अपनी ताकत, अपनी उपस्थिति हम एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को दिखाएंगे, हम वो चाहते हैं, ना कि हम ये चाहते हैं कि हम LBA का प्रेसिडेंट बने या जनरल सेक्रेटरी बने या कुछ और बने। हम एक प्योर लोकल इनहैबिटेंट बनकर ये अपनी ताकत को उपस्थिति दिखाना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सभी 29 मेंबर्स मिलकर एक सामान्य होकर लड़े और सारे मुश्किल और सारे इश्यूज को हम शॉर्ट आउट करें। इसलिए हमारे जितने भी भाई हमारे थे योगदान दिए, महेंद्र भैया, जगनारायण भैया, संजय मिशाक भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर को थैंक यू, और भी जितने भी विलेज कमेटी के जितने भी लोग थे, और उसके सबसे ज़्यादा हमारे वोटर्स, हमारे जितने भी भाई बहन अपने घर से निकल कर इतनी बरसात में इस बड़े खराब मौसम में आकर अपनी जो भी इतनी मंशा दिखाई थी, हाँ हम लोग को बदलाव चाहिए, तो वो सारे मैं तय दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी एकजुट होकर इस मुद्दे को भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब सामान्य है। इसलिए आप सब मिलकर एक छत में आइए, एक छत के नीचे आइए और सब हमारा समर्थन कीजिए। सभी का स्वागत है, मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के ऑफिस के यहाँ पर, और हम आपको बता दें लोकल बॉन्ड एसोसिएशन का इलेक्शन हो चुका था जो हमने लास्ट कवरेज किया था, और उसी कवरेज को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के ऑफिस आए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब इनके प्रेसिडेंट इस सब का चुनाव हुआ था। और हम आपको बता दें इस वक्त अभी जो मेरे साथ जो खड़े हैं राकेश पाल गोविंद जी, ये है लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने गए हैं। जितने भी लोग हैं उन्होंने मिलकर इन्हें प्रेसिडेंट बनाया, तो आइए इसी विषय में हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। थैंक्स। आज जैसे कि आपको मालूम है इलेक्शन के बाद हमारा पहला मीटिंग कॉल हुआ था, मुझे इसका अनुमान नहीं था कि लोग मेरा नाम प्रपोज करेंगे हमारे कमेटी वाले, बट तहे दिल से सबको शुक्रिया बोलना चाहूँगा। मेरे से बुज़ुर्ग भी थे और मेरे से यंग भी बैच थे, सभी ने मिलके एक ही मत दिया कि नहीं मुझे प्रेसिडेंट होना है। तो मैंने भी सोचा चलिए एक बार मिल रहा है तो ज़रूर करेंगे, सपोर्ट है अपने लोगों का, साथ है, तो मैंने भी एग्री किया उसको। सर आप बता दें सर, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी कमेटी आई गई, बट इससे पहले एक जो कमेटी जो थी जो अभी इलेक्शन के पहले ही शायद डिसॉल्व हुई है वो, लेकिन उस कमेटी ने बहुत सारे करप्शन किए ऐसा मैं सुनने में आया है। उस कमेटी के लिए बहुत सारा फंड आता था और बहुत मतलब इसमें घोटाला हुआ है, तो इस बारे में आप कुछ बताइए सर। देखिए इसके लिए अभी कुछ बोलना संभव नहीं होगा, क्योंकि हम जब उनसे चार्ज लेंगे या उनसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे तो हमको उन लोगों को ऑडिट प्रॉपर करा के देना है। अगर ऑडिट में कुछ कहीं गलत हुआ तो डेफिनेटली बायलॉज के हिसाब से जो करना है हम करेंगे। क्योंकि हमने ये सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि सर हमें कई सोशल मीडिया में और कई व्हाट्सएप ग्रुप में हमने देखा था, और कई लोग ये कह रहे हैं कि लोकल बॉन्ड एसोसिएशन का मतलब चुनाव नहीं हुआ था, और चुनाव ना होने के कारण लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। मतलब पुराने जो लोग जो पावर में बैठे हैं, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर एक्सेट्रा, सब जितने भी लोग हैं वो उनका मतलब जो भी पोजिशन है वो उसका मतलब गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए अगर ऐसा कुछ भी है कि कहीं कुछ फंड मिसयूज हुआ है तो यकीन मान के चलिए जो करना है करेंगे, मगर कोई एसोसिएशन का पैसा एक रुपये भी मिसयूज नहीं कर सकता। अगर किया है तो जो बायलॉज बोलता है उसके आधार पे हम उनके ऊपर। अच्छा, बायलॉज के हिसाब से तो आप जरूर चलेंगे, क्योंकि सर आप तो एक एडवोकेट भी है सर।
नहीं एडवोकेट हूँ, अब मैं वही बता रहा हूँ आपको कि अगर कहीं कोई करप्शन है, कहीं कोई पैसे का फंड का मिसयूज़ है, तो हम मीटिंग करेंगे, जनरल बॉडी कॉल करेंगे और मेजॉरिटी मिलेगा कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई करना है लीगली, तो वो भी करेंगे, मगर जो भी होगा मेजॉरिटी के साथ होगा, ये मेरा अकेला का कोई निर्णय नहीं हो सकता। सर आप ये बताइए सर, अभी आपको एक पद मिल चुकी है सर, लोकल बॉन्ड एसोसिएशन, जो कि बहुत ही बड़ा एक पद है, उसका आप प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो आप सबसे पहला काम हम लोकल्स के लिए आप क्या करेंगे? देखिए सबसे पहली चीज़ जो मैं करना चाहूँगा, इस बायलॉज को मुझे अमेंड करना है, क्योंकि कुछ लोग वोट दे सकते हैं कुछ नहीं दे सकते हैं, सभी को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। दूसरा हम ये चाहते हैं कि हम मेंबरशिप ड्राइव करें, इस इलेक्शन में हमने देखा कि 260 वोटर हैं, इतने लोकल्स हैं, इतने यहाँ के पुराने pre-42 है, सेटलर्स को छोड़ करके बाकी तो सब pre-42 है, अब उनमें भी अगर हमारा यूनिटी नहीं रहा, हम मेंबरशिप ड्राइव ओपन करेंगे और उसके बाद हम आज जैसे पता चला फिरोज भाई ने बताया एड्रेसिंग मीटिंग में कि कुछ फंड हमारा PWD में है, उसको भी हम लेकर के कुछ आगे डेवलपमेंट का कोशिश करेंगे। सर हम आपको बता दें, जैसा हम चुनाव के दिन भी यहाँ पर आए थे तो कई लोग हमसे बात भी कर रहे, उसमें साउथ पॉइंट एरिया और भी कई एरिया के लोग थे जिन्होंने हमें इंटरव्यू दी, और वो लोग ये बताए कि मतलब वो उनका मेंबरशिप ड्राइव तो कर लिया गया है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट है उनके हाथ में, उनसे 1000 रुपया लिया गया है मेंबरशिप का, बट उन्हें वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई है, तो इस बारे में आप कुछ बताइए। जी बायलॉज के हिसाब से जो विलेज कमेटी में है वही आदमी वोट डाल सकता है, अब ये चीज़ को थोड़ा सा चेंज करना है, विलेज में 100 मेंबर्स है मान के चलिए उनका, क्योंकि सर उनका ये कहना था कि वो लोग मेंबर हैं और उनके पास प्रूफ है, प्रूफ के साथ वो आए हैं, वो एक बुजुर्ग महिला थी वो वोट डालने आई, और इसका हमने न्यूज हमने पब्लिश भी किया था, वो वहाँ से कैसे कैसे करके बारिश में बड़ी मुश्किल से वोट डालने आई, और यहाँ पर उन्हें कह रहे थे कि हम आपको वोट नहीं डालने दे सकते। यही मैं बता रहा हूँ आपको कि टर्म मेंबर है हमारा, विलेज कमेटी है आपका, लाइफ मेंबर्स है, तो आप जहाँ पर मैं बायलॉज के हिसाब से आप जाओगे तो विलेज कमेटी में जितने जन है वो वोट डाल सकते हैं, जो लाइफ मेंबर है ना विलेज कमेटी भेजेगा वो मेंबर को, तो वो हिसाब है, तो अब हम लोगों को खोल करके इसको पूरा ओपन करना है और सभी को राइट टू वोट आएगा, बस ये है कि पुराना कुछ बना हुआ है उसको तोड़ के आगे बढ़ना है, टाइम लगेगा समय लगेगा पर तब्दीलियां बदलाव ज़रूर आएगी, क्योंकि सर अभी आप बने हैं, आप भी एक एक यूथ इंस्पिरेशन भी है सर आप, क्योंकि इसीलिए आप और आपके ऊपर ही डिपेंड है सारे यूथ्स का अभी फ्यूचर, क्योंकि लोकल्स का, तो इस बारे में आप अपने यूथ्स को और हमारे आइलैंडर्स को आप कुछ दो बातें कहिए सर। देखिए सबसे पहले मैं यूथ से एक रिक्वेस्ट करूँगा मीडिया के थ्रू, ये नशाबंदी थोड़ा सा कम करें, देखिए हमारा यूथ लोकल यूथ मैं बेसिकली बोल रहा हूँ, आप देखो तो कहीं पर भी नहीं है, छोटी सी उम्र में नशा की लत में पड़ जाते, इससे थोड़ा दूर हटो, जॉब अपॉर्चुनिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो भी है जो हम उनको बता के दे सके या हम उनको करवा सके एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू या हमारे पॉलिटिकल जो MPs हैं उनके थ्रू, हम डेफिनेटली बैकअप देंगे उनको, और हम सबसे पहले प्रयास भरपूर ये करेंगे कि जो मेनलैंडर्स अपॉइंटमेंट यहाँ हो रहा है इसको कहीं रोका जाए, क्योंकि यहाँ छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब छोड़ के और कोई जॉब नहीं है, अब उसमें भी भर्ती मेनलैंड से हो रहा है तो ये गलत है, क्योंकि स्टेट पॉलिसी में और कोई जगह ऐसा नहीं हो रहा है। सर आपने तो बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि इससे पहले भी कई जो कमेटी मेंबर जो थे पुराने जो थे ये मुद्दे को वो लोग कभी नहीं उठाते थे, इवन वो कभी मीडिया के सामने आए भी नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो कभी मीडिया के सामने आए भी नहीं, तो जैसा अभी आप प्रेसिडेंट बनते साथ आपने जो बात कही है सर, आपने तो मतलब बहुत ही अच्छी बात कही है, और हमें आशा करते हैं कि आप इस पर ज़रूर आप इसके ऊपर खरा भी उतरेंगे, और आप जितने भी लोकल्स हैं आप उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे, और इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।